बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। और मैं नुसरत जावेद। साथ मैं आज प्रोग्राम करना चाहता था, ये जो काला बाग डैम को अबैंडन किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा सोचा था कि इसके बारे में सीधी बात हो कि क्यों ये मकाम आया, किस लिए आया। लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉल करके कहा और क्यों है जी मुलाकात हुई है तो दोस्तों साहब। अगर से मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि आज की जो मुलाकात थी, जो कहते हैं वो 12 मई का वाक़ा भी ना हुआ, ख्वाहिशात पूरी ना हो सकी, उसके बाद पहली मुलाकात थी मेन टाइम वो सलमान तासीर साहब भी चले गए हैं गवर्नर हाउस। तो मेरा अपना यह ख्याल है कि बुनियादी तौर पर ये मुलाकात थी कि लोगों को ये बताने की कि विद ऑल सेट एंड डन अभी भी हम ठीक ठाक ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल तलाक नहीं हुई है, नहीं अलर्टगी भी नहीं, लेकिन ये कि थोड़ी सी खटपट या थोड़ी सी दूरी होगी, लेकिन उसके बाद जो जैसे मैं चल जाती है तो वापस लाना पड़ता है। तो एक तो दूसरा ये, और उसमें यकीनी बात है एक दूसरे के साथ अपने तहफात खदशात वगैरह भी शेयर किए होंगे, लेकिन लोगों का ये ख्याल होता है। और उसके बाद फिर आप जैसे नौजवान रिपोर्टर थोड़ा सा उसमें खस्ता भी डालते हैं ना कि मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, दाखिली दरवाजे से दाखिल गए और ये वो, तो उसमें ये लगता है कि जैसे खुदा न खास्ता पता। मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कभी कभी जर्नलिज्म के लेक्चर भी दे रहा शुरू हो जाए। माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने आप ही देंगे सवाल, आपने अपनी तरफ से तंज किया है लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं होता कि हर मुलाकात के आखिर में कोई सेंसेशनल स्टोरी निकले। सीरीज ऑफ मीटिंग्स भी होती है, मुलाकातें भी होती है। तो आप पहले बता देना, पहले बता दें कि भाई ये मुलाकात हो रही है जिसका कोई नतीजा निकलने वाला है, ताकि ये जो इतने वसाइल खर्च करके जाए कल, तो आपको पता डी एस ए डी होती है और बाकायदा पैसे खर्च होते हैं, इसलिए आप पैसे ताकि फिर वो जो उस वो बात ना करने का एक रिपोर्टर को जो अभिनंदन से बात लानी पड़ती है। ये थोड़ी सी आप भी ज्यादती कर रहे हो। देखो ये पॉलिटिशियंस का या बाकी लोगों का जो मिलते हैं उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो क्या बात हमारे साथ शेयर करते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल फरजाना राजा साहिबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एम एल ए सेक्रेटरी इतलाक भी है पंजाब की, शायद ये कुछ हमें कोई ऐसी बात बताना चाहे या बता सके जो बाकी मीडिया के पास अभी तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी फरजाना जी। जी वालेकुम सलाम।